ice cream on the जो सबसे सस्ता वाला था ये 2700 360 ना वो इंस्टा 360। हाय गाइस, मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, एक्चुअली ग्रोसरी की सारी चीजें लानी है, वेजिटेबल्स खत्म हो गए हैं वो लाने हैं और उसके बाद कुछ मामी रेडी बुला रहे हैं मुझे, एक मिनट। कहाँ बहुत लोग हैं, चल बाहर दोस्त बाजी वाला नो बाली नो खाली पोर्स काट के खाली रखवार अच्छी खाली टिके अटकी जाओ जल्दी वही टिके कहू छ टिके अटको है। तो हम लोग जा रहे हैं, फ्रूट्स भी लाना है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बाहर बहुत ज्यादा धूप है इसलिए मैंने अपना गॉगल्स भी ले लिया है और बाल को भी टाइट कर लिया है ताकि गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। तो चलते हैं और वहां पे मिलते हैं। तो आज मैं लूंगी ये वाला हैंडबैग क्योंकि इसको मुझे रिजेक्ट करना है। पहले जाएगी एक वाटर बॉटल, उसके साथ कुछ ये बैग्स, ये सुपरमार्केट का कार्ड, ये मेरा लिस्ट और रेडी बिल्कुल ना दिस शी गो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं घर में ही भूल गई थी इसलिए हस्बैंड नाराज हो रहे हैं यहाँ पे मुझसे। फोन तो करी छे पठाबा टिके पड़ी काहे टेंशन नो जो फोन कर दी छे पठाबा। अरे हां भूली गई फोन कर छे पठाबा रो सॉरी स्माइल करो ना फोन ना रखे स्माइल करो ना ना रखे धरती। एक्चुअली जहाँ पे रुके हैं अभी ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो पता नहीं मेरी बात सुनाई देगा है या नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगी बहुत भयंकर भूख क्योंकि नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो मैंने दिया एक आइसक्रीम और अभी मैं इसी को ही खा रही हूँ। साउंड थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ मुझे एक प्यारी सी लेडी मिली जिनका नाम है पूनम और मैंने इनसे अपना चैनल सब्सक्राइब भी करवाया और एक छोटी सी क्लिप भी लिया इनके साथ, बहुत प्यारी लेडी थी। तो मैं आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि मुझे लेना है एक आइसक्रीम स्कूपर और एक एयर टाइट कंटेनर, तो मैं देखती हूँ वो मुझे यहाँ मिलता है या नहीं वरना मुझे कहीं पे और जाके लेना पड़ेगा। तो देखती हूँ और मैं अगर यहाँ पे मिले या फिर कहीं और से भी लेती हूँ तो फिर मैं जाके वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जहाँ आईना वहाँ मैं, कोई भी आईना मुझसे तो मिस होता ही नहीं और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि चलें एक क्लिप आपके साथ भी आईने के सामने ले लें और उन्होंने देखो मुझसे बोला कि चलो चलो आईना टूट जाएगा। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, आ रहे हैं फिर से नीचे बिलिंग करेंगे और जाएंगे फटाफट घर से क्योंकि बच्चों का कॉल आया था, उनको लगी है भूख खाना खाएंगे। तो ये वक्त है शाम का और हम आए हैं बिग बाज़ार। ये अभी जियो मार्ट बन गया है लेकिन पहले इसका नाम था बिग बाज़ार, तो उससे यही निकल रहा है। एक्चुअली आज सुबह सारी मार्केटिंग हो नहीं पाई तो हस्बैंड से मैंने कहा कि वो बोल रहे थे कि मुझे दो तीन दिन पहले की गाड़ी लानी है और हाँ जी वो बोल रहे थे कि गाड़ी लानी है तो मैंने उनको कहा क्या शाम को चलें क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं जाऊंगा शाम को काम है तुम रियान के साथ चले जाना। तो मैंने कहा मुझे रियान के साथ एक्चुअली एक मिनट वहाँ पर ही हूँ, तो रियान के साथ आने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो मैंने इनको कहा कि चले आपके लिए घड़ी भी ले लेंगे और मुझे ज़्यादा नहीं बस दो ही चीज़ें लेनी हैं तो फटाफट से लेके आ जाएंगे चलिए। तो मैं इनको पटाखे थोड़ा लाई हूँ। तो बिग बाज़ार में भी कुछ मिला नहीं जो मैं ढूंढने गई थी और वहाँ पे हस्बैंड के साथ थोड़ा झगड़ा भी हो गया इसलिए मैं फ़ौरन से वहाँ से निकल गए और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और हम आए हैं यहाँ पे गुल बाज़ार
और एक स्टील का शॉप है यहाँ पे, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे यहीं पे एक ही दुकान में मिल गया। तो वो क्या क्या लिया है मैंने, मैं चलिए अभी दिखाती हूँ, लेकिन जाते वक्त मैं यहाँ से अमरूद भी लूँगी। मैं सामने ही उसका ठेला मुझे दिख गया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अमरूद, यानी कि माया, यानी कि ये बच्चों के लिए मैं साथ में लेके आई थी मोमोज, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और हस्बैंड के लिए तरबूज। तो ये है इस महीने का राशन, जो कि अभी होम डिलीवरी हुआ है, लेकिन इसके साथ एक रेड कलर का बोरा और था, जो अभी रियान और आयान ने किचन में पूरा फैलाया है, क्योंकि उनको लगी थी भूख, तो वो लोग ढूंढ रहे थे कि उनका बोरा कौन सा है, जबकि मैंने उनको बोला था कि रेड कलर का है, लेकिन पता नहीं उनको सुनाई नहीं दिया या फिर कुछ, तो उन्होंने जाके वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगी है भूख, तो अभी मैं ये सारा का सारा तरबूज खाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे कुछ भी खाने का वहाँ पे मन नहीं किया, तो मैं घर में आई और अभी मैं ये खा रही हूँ तरबूज, और मिलती हूँ 5 मिनट बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो अभी मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि अभी मैं मार्केट से लाई हूँ, और पिछले 2 दिन से जो पार्सल्स भी मेरे घर में आए हैं वो भी दिखाऊंगी। एक एक करके मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इकट्ठे हो जाए एक साथ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग से। तो ये है एक एयरटाइट कंटेनर, एक नहीं दो सेट में है ये, और ये मुझे एक्चुअली लेना था एक, लेकिन ये सेट में था दो, तो मैं ले आई। मुझे आइसक्रीम जमाने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। लास्ट टाइम मैंने जो जमाया था आपने देखा होगा, वो क्या एयरटाइट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा लूज हो गया है बहुत ज्यादा यूज करने के बाद, तो उसमें आइस क्रिस्टल जम रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये नया वाला ले लूं। और इसके साथ ये आइसक्रीम स्कूपर भी है, ये भी मेरे पास नहीं था, तो मुझे आइसक्रीम निकालने में मतलब थोड़ी मेहनत लगती थी, तो ये भी मैंने ले लिया इसके साथ। और बात कहूँ पार्सल्स की, तो मैं दिखाती हूँ, ये शायद परसों आया था, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था ये, और ये है एक ऑयल डिस्पेंसर। मेरे पास 4 डिस्पेंसर है, जिसमें कि 2 मैं ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए यूज करती हूँ और 2 ऑयल रखने के लिए ही यूज करती थी, लेकिन क्या हुआ ना कि साफ सफाई के दौरान मुझसे टूट गया एक एक करके दोनों, एक महीने के अंदर ही टूट गया। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरा आज दूसरा वाला भी टूट गया, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और मतलब मेरे लिए सरप्राइज लिए, ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर तो किए, लेकिन इसका प्राइस है 550, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो 2 लिया था पहले, 2 जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, जो जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, वो था 450-460 रुपीज पर पीस, तो 2 थे मेरे पास, और ये सिर्फ, और वो भी हैं 500 ml शायद आता है उसमें, और जो एक्स्ट्रा जो टूट गए वो मुझसे, वो मैंने लिया था, दिया था 650 में 2, और वो 1 लीटर का था, 1 लीटर का मतलब 2 था, तो पैकेट में इजीली उसमें रिफिल कर सकती थी, लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड मंगवाए हैं इसमें सिर्फ 500 ml ही आएगा, तो मुझे जरूरी है कि मैं एक और मंगाऊं। और हस्बैंड ने ये वाला कलर फ्लोरिसेंट कलर मंगवाया था, लेकिन इसके बदले आया है ये मस्टर्ड कलर में, काफी ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि घरेलू चीजें मतलब कुछ भी मंगवाओ तो प्लीज मुझसे एक बार बात किया करो, लेकिन पता नहीं मोबाइल में देखते ही ऐप वगैरह वो उनको क्या सोचता है, मतलब ऑर्डर करना ही है, अच्छा है लेकिन खुश हूं, लेकिन एक और मंगवाना पड़ेगा उनको बिल्कुल सेम। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे लिए, और ये है ना, ये मुझे ऐसे चट चट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने फेंका नहीं है अभी तक। और सेकंड है ये कैमरा, मैंने अपना लास्ट ब्लॉग में या फिर उससे पहले की ब्लॉग में बोला था कि हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया है, तो ये आ गया है। Insta360 ना वो, हाँ Insta360 Pro S Pro, देखिए आप, तो इसकी क्वालिटी तो जब मैं शूट करूंगी तभी पता चलेगा कैसा क्या है। इसको मुझे यूज वगैरह कुछ भी करना नहीं आ रहा है फिलहाल, मैंने देखा भी नहीं है, बस एक लुक देख दिया जैसे कि आपको दिखाया अभी, तो ये सेटअप वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड करेंगे, उसके बाद ये मेरे हवाले हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ और क्या क्या मंगाए हैं दिखाती हूँ, और ये सारा कुछ मैंने कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने खुद ही मेरे लिए खरीदा है सब कुछ, तो मेरे जरिए उनका भी शौक पूरा हो रहा है सच बोलूं तो। और ये बोया का माइक है, और ये कैमरा के लिए लाए हैं, और ये जो मैंने अभी लगाया है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए माइक भी आया है। छुपके छुपाते सब कुछ ऑर्डर करते हैं और बहुत दिनों बाद मुझे दिखाते हैं कि ये है, क्योंकि मुझे इसके बारे में तो कुछ नॉलेज होता नहीं है, मैं ध्यान नहीं देती कि क्या आया क्या नहीं है,
तो ये दो तीन बार शायद मैं यूज किया है मैंने, और दूसरा मंगवा लिए। और इसके बाद है ये एक सेल्फी स्टिक, ये भी उन्होंने ही मंगवाया है। और ये है माइक एडाप्टर, पता नहीं इसका यूज मुझे कुछ भी पता नहीं, जब हस्बैंड सब कुछ सेट कर देंगे तो जब मैं करती जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और हाँ इतना है, इतना ही आया है पार्सल्स में जो। और आज जब हम बिग बाजार गए तो वहां पे छोटा सा झगड़ा हुआ हमारा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि सुबह जब हम मार्केट गए थे आज ग्रोसरी लेने, उसके बाद हमें फ्रूट्स और सब्जियां भी लाने थे, तो वहां पे गए और धूप इतनी ज्यादा थी कि रियान का भी दो बार कॉल आ चुका था कि भूख लगी है खाना लाओ, और खाना मैं बना के नहीं गई थी तो बाहर से ही लाना था खाना, तो इसलिए हड़बड़ी में हमको और कुछ भी मतलब खरीदने के मूड में ही नहीं थी। और मैं सीधा आ गई घर, और घर आने के बाद फिर वो सब्जी वेजिटेबल्स रखना, खाना परोस के खाना, मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी। और शाम को आज मैंने फिर बोला कि चलो जो ये कंटेनर और आइसक्रीम स्कूपल लाना था तो लेने चलते हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, रियान के साथ चले जाओ। तो मुझे रियान और नया नया आज अभी चला रहा है गाड़ी, तो मैं गई थी एक बार मार्केट लेकिन बिल्कुल दिल थाम के गई थी, इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे तो, हाँ तो इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे तो मैंने इस बार बोला कि क्यों बोला मैंने वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। हस्बैंड मुझे बोल रहे थे पिछले एक हफ्ते 10 दिन हो गया कि एक दो महीना हो गया कोई घड़ी मैंने नहीं खरीदी है, तो घड़ी खरीदने का मन कर रहा है, कभी जाएंगे मार्केट तो खरीदेंगे, जब उनकी तबीयत खराब थी तो उस टाइम बोला था। तो मैंने आज उनको बोला कि आज आपकी घड़ी भी खरीद लेंगे, चलिए चलते हैं। तो वो उसी चाव में मेरे साथ गए कि आज इसकी तो जो भी छोटी मुझे दो चीजें लेना है लेके आएगी, उनको अपना घड़ी लाना था। और वहां पे मैंने बोला क्योंकि मेरी चीजें तो मिली नहीं बिग बाजार में, तो जब नीचे आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो बुल बाजार चलते हैं, तो हस्बैंड ने कहा कि मेरी घड़ी का क्या हुआ, तो मैंने कहा कि आएंगे 2 दिन बाद ले जाएंगे, उसके भी पीछे एक रीजन था वो भी बताऊंगी लेकिन पहले ये बात सुन लीजिए। तो हस्बैंड बिल्कुल नाराज हो गए, बोले कि मतलब ही अपने मतलब के लिए आ रही हो और मेरी घड़ी तो रह गई, झूठ बोल के लाई हो, आईना मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं। मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने कहा चलिए गुल बाजार 2 दिन बाद पक्का आएंगे, आप बोलोगे तो कल भी आएंगे। और रीजन भी यही था, जब घर आए तो गुल बाजार में भी बिल्कुल बात ही नहीं की, घर में आए तो बोले कि गर्मी के मारे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मतलब तबीयत गजब सी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। और बात भी नहीं की, मैंने उनको खाने के लिए तरबूज दिया वो खाए, और उसके बाद जब मैंने उनको उनका सरप्राइज दिया, वो सरप्राइज क्या था वो मैं पहले आप लोगों को उनको दिखा चुकी हूँ, तब जाके उनका मुंह जो हुआ था ना वो धीरे 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 नॉर्मल हुआ है, वो दिखा देती हूँ। वो है ये घड़ी, देखिए ठीक है। मुझे पता था अगर इनके साथ अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो उनको कुछ भी पसंद आता है तो घर में मैं चिढ़ती हूँ कि नहीं आपको ये नहीं लाना है, कितना लाओगे, घर में रखने के लिए जगह नहीं है वो, लेकिन जब बाहर हम निकलते हैं तो उनका मतलब वो मुंह देखे ना बिल्कुल इतना इनोसेंट सा मुंह, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं कहती हूँ कि हाँ ले लो। तो इस बार मैंने उनको ये जब मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने किया था उनके लिए, तो जब मैंने ऑर्डर किया था उससे पहले, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं होता है क्या ब्रांड क्या कुछ लड़कों के बारे में, जितना भी आज तक मुझे मुझे आइडिया हो रहा है वो सब उनके साथ रह रहे के ही हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए थे, एक है पॉलिस और एक है फायरबोल्ट और एक रुकिए अमेज़फिट, और दूसरा मैंने कहा कि ये प्राइस मुझे पता था क्योंकि इनके पास ऑलरेडी थे, ये सब कुछ हाई रेंज की ही है, तो मैंने बोला था 4-5 हजार के अंदर बोलिए, तो उन्होंने बोला कि प्राइस इधर उधर हो सकता है, हर कंपनी के मतलब कम भी रेंज में भी आता है ज्यादा में भी आता है, डिपेंड करता है चॉइस पे, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन उनको बिना बताए, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत, ये जो कैमरा लाए हैं मेरे लिए ही तो लाए हैं ना बहुत, तो मैंने सोचा कि चलो इनको एक सरप्राइज दे देती हूँ। मैं कोई भी सरप्राइज दे नहीं पाती है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, कहीं सरप्राइज खराब ना हो जाए, तो मैं सरप्राइज नहीं देती। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ये कोशिश किया, लेकिन उनका सब कुछ मतलब मैंने छांट लिया, और जो सबसे सस्ता वाला था ये 2700 का पड़ा मुझे, जब आज ही आया था ये सुबह सुबह, तो ये घर में थे तभी, और इतना छुपते छुपाते मैंने इनको बोला कि मैंने एक पायल, जो मोती वाला पायल नहीं आता क्या, वो आया है, तो इन्होंने बोला कि दिखाओगे नहीं, मैंने बोला अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ बाद में दिखाऊंगी। तो जब घर में आए तो मैंने इनको जितना खुशी से मैं देना चाहती थी, इनका उतरा हुआ मुंह देख के ना मैंने बोला कि आपकी घड़ी ये देखिए, ऐसे कहा कि देखिए आपकी घड़ी, इसलिए मैंने बोला था कि कल आएंगे या फिर परसों, आपके तो मतलब रुकते ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने देख के फिर बोला कि मेरे लिए मंगवाई हो, बिल्कुल। तो ये ब्रांड उन्होंने देखा पेबल का है और खुश हो गए कि हाँ चलो बहुत अच्छा है। और अभी उनसे मैं पूछूंगी, हे आ जाओ इधर, इतना नाराज आसो हो,
यार बसो मैं बसू चलो मैं बसू चलो तुम्हें यार क्या सी कैसा लगा बताओ दिखाओ तो पहले नहीं देखे हो क्या अच्छा तो लग रहा है तो मेरे को झूठ क्यों बोली तू देखो एक बात बताऊं जब इन्होंने मेरे लिए कैमरा ऑर्डर किया वो बस मतलब सर्च में थे कि कौन सा कैमरा मंगवाए मुझे लगा बस ऐसे उनको मतलब हर चीज जानना होता है क्रिकेट के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में फिल्म के बारे में हर चीज के बारे में ठीक है तो मुझे लगा नॉलेज गेन करने के लिए ही ये देख रहे हैं तो मुझे क्या पता चलेगा उन्होंने भी तो मेरे लिए छुपके छुपाते ही ये कैमरा जो है ऑर्डर किया था इसीलिए मैंने सोचा और सच बोलूं एक बार अब ज्यादा मतलब कॉस्टली पे जाते हो इसीलिए मैंने बोला नहीं क्या कि मैंने जो सबसे सस्ता वाला था 2700 का ये मैंने मंगवाया है अरे पैसा का बात नहीं है बाकी मेरा इंटरेस्ट था एक तो नया लेने के लिए हाँ तो मिल गया तो कहाँ मना कर रहा हूँ हाँ तो लेकिन बात ये बोल रही हूँ मैं इनको कि मुंह फुलाने का क्या अगर मैं बोली आपको कि कल आएंगे या फिर दो दिन बाद आएंगे आपको पता अब मुझे नहीं जानती क्या कोई चीज मना करती हूँ और मना भी अगर करती हूँ तो उसका भी रीजन अभी मैं आपको दिखाऊंगी अब हो गया आपका चलिए आपके सारे कंप्लेन करने वाली हूँ अभी वो लग रहा था 100% कट दे लो कौन सा तुम्हारा कथा रहा तो अगर मैं उनको रुको एक मिनट ये घड़ी में रख दू अगर मैं इनको मना करती हूँ कोई चीज के लिए तो उसके पीछे भी रीजन होता है और रीजन ये है कि ये जो अभी लिए हैं ठीक है दिख रहा है तो मैं कहो रिसु जी की नदी से बाहर हाँ आप है आगे नहीं बोल रहा बेकार के तो ये रीजन है कि मैं और देखिए ये तो हो गया पूरा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने में ही नहीं है ये मैंने मंगवाया था मेरे लिए ठीक है ताकि मैं अपना ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ रखूं लेकिन इतना को छोड़ के ये सारा भी है इनका बस ये मेरा 1 2 3 मैंने डबल डबल करके रखा है अपना बाकी सारा सब कुछ इनका है तो बोलिए रखने में जगह है क्या इन अपनी मतलब जगह कवर करके मेरे भी जगह ले लिए हैं ये और बोल रहे हैं कि घड़ी अगर ना लाओ तो इतना बड़ा मुंह सोते कोई दूसरा नेक्स्ट टाइम इस नहीं चले आऊ और घड़ी वही बॉक्स रखवा लगी भरे जगह नैनो तो बस यही था और कुछ भी नहीं ये मुंह फुलाए थे झगड़ा हुआ था मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि छोटा सा झगड़ा हुआ है तो उसका रीजन भी मैंने बता दिया और आप लोगों को मतलब जो भी लोग मुझे कमेंट करते हो कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूं या फिर ये सही है तो और अभी आए हैं नीचे पिंकी तो पिंकी हमारी फैमिली फ्रेंड है उनके हस्बैंड और वो आए हैं तो मैं जाऊंगी उनको मिलवाऊंगी उनके लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट भी जरूर करें और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में थैंक यू बाय बाय